हाय एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज हम एक क्लिप देखेंगे फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड हनुमान। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ दैट मूवी। इमेजिन, ये ऐसी एक मूवी थी जिसका इतना लो बजट था, बट इन द एंड परफॉर्मेंस वाइज एंड पीपल अडोर, मींस इतना इतना पसंद किया ये मूवी को कि पूछिए ही मत। द वे सिंप्लिसिटी में हनुमान को दिखाया गया है एंड द वे हिज एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर अमेजिंग। मीन्स आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने अच्छे से हनुमान जी को दर्शाया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली जिस हिसाब से हनुमान चालीसा वहां से शुरू होता है एंड जैसे ही उनकी पूरी एंट्री होती है उनके सामने, दैट इज लाइक अ डिलाइट टू वॉच यार। आई लव्ड इट। एंड स्पेसिफिकली व्हेन ही सिटिंग एंड वो ध्यान कर रहे हैं एंड ही सेज राम, सुनने लायक है, मजा आ जाता है वो सीन देख के। सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट अस जस्ट गो एंड वॉच दैट सीन फ्रॉम द मूवी हनुमान। अनर्थों रुधिरमणि विच्छिन्नंतो असुर तांडव महाप्रलय मोदलैंदि। मरो महायुद्धं पुरुडु पोसुकोनुंदि। ఈ విపత్తు నుండి మానవాళి మనుగడను కాపాడడానికి నీ రాక అనివార్యం హనుమా। Here he comes. I love the eyes. Too good. See, now he's also surprised. How am I flying? Oh. That jump. Killer. Everybody is feeling it. What physique! Oh, Jai Shri Ram. నేను నీకిచ్చిన మాట పెట్టుకున్నాను, నువ్వు శ్రీరామ చంద్రునికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే సమయం ఆసన్నమైంది మిత్రమా। అష్టసిద్ధినవనిదికే దాతా సమర దీన జానకి వాతా రామన సాయన తుమరే వాసా।
గ్రేట్ సీన్. कुछ मूवीज होती हैं जो सिर्फ देखी जाती हैं और उसके बाद भूल जाई जाती है, बट दिस वाज वन ऑफ दोज मूवीज जो आपके जहन में और आपके दिमाग में चलते रहते हैं ये सीन्स. दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज. आई रियली लव द मूवी बिकॉज ऑफ दिस, स्पेसिफिकली दिस सीन. आई हैव सीन इट इन थिएटर एंड मैंने उस थिएटर का सिचुएशन देखा था. इट वॉज मैडनिंग, इट वॉज क्रेजी. मीन्स इतना इस मूवी को प्यार दिया गया है. सीरियसली आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये मूवी इतनी अच्छी कर जाएगी एंड पीपल के वो दिमाग में रह जाएगी ये मूवी. आई होप आप लोगों को ये मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा. अगर आया है सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना. टिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेलर. चीयर्स, बाय.